ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं वापस से आप लोगों के लिए बिट साइट के क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिट साइट के हम लोग ट्रिक्स देख रहे थे, प्लेलिस्ट पूरी अलग से बनी हुई है बिट साइट की, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, सारे बिट साइट की वीडियोज आप लोग वहां पर जाकर के एक्सेस कर सकते हो। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स एक ऐसी प्लेलिस्ट है जो कि पूरे यूट्यूब में आपको एक यूनिक प्लेलिस्ट मिलेगी सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल में, क्योंकि जो भी ट्रिक्स बनती है वो किसी बुक से नहीं होती है, किसी टीचर से सीखी हुई नहीं होती, वो सारी सारी मेरी खुद की बनाई हुई होती है। बिट साइट के ऑलरेडी मैंने बहुत सारे एपिसोड्स बना दिए, उसको जरूर से जाकर के देख लो अगर आप चाहते हो कि बिटसेट में आपका स्कोर बूस्ट अप हो। और आगे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को प्रेस करके रखो। अब जल्द से स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों के तीन क्वेश्चन लिया है बिटसेट का, फिजिक्स का 2020 का। पिछले एपिसोड में मैंने दो क्वेश्चन लिए थे और उसके पिछले मैंने चार क्वेश्चन लिए थे, तो काफी ज्यादा वैरायटी में आप लोगों को ट्रिक्स बना करके दिखा रहा हूं। तो जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एआर स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने वापस से क्वेश्चंस ले लिया है बिटसेट 2020 का, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है फिजिक्स के अंदर में। मेमोरी बेस्ड का मतलब है कि एक्जैक्टली यही ऑप्शंस थे, एक्जैक्टली यही क्वेश्चन थे, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता मैं, राइट। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आप देख सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है, ये तीसरा क्वेश्चन आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। तो तीन क्वेश्चन मैं इस वीडियो में ले रहा हूँ, पिछले वीडियो में मैंने दो क्वेश्चन लिया था पांच, और उसके पिछले वीडियो में मैंने चार क्वेश्चन लिया था, टोटल नौ क्वेश्चन हो जाएंगे फिजिक्स के अभी तक, ठीक है। आगे और होंगे तो मैं लूंगा डेफिनेटली, बट अभी तक नौ क्वेश्चन हो जाएंगे इस वीडियो के बाद जो मैं फिजिक्स से ले चुका हूंगा, और मैथ्स के मैं 20 क्वेश्चन ऑलरेडी ले चुका हूं। तो आप सोचो कितने ज्यादा क्वेश्चन में जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगता है। डेफिनेटली आप लोगों को ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखनी चाहिए, इससे आप लोगों का स्कोर बूस्ट अप होता है। अब डिस्क्लेमर ये है कि भाई आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स हर समय जबरदस्ती नहीं लगानी है, अगर आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, क्वेश्चन छोड़ने की नौबत आ रही है, या फिर आपको टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, जल्दी से सॉल्व करना है, कुछ एक तुक्का लगाना है, जल्दी से ऑप्शन एलिमिनेट करना है, तो ये सारे तरीकों में ये आपका काम आता है, जुगाड़ तरीका ही आपके स्कोर को बूस्ट अप करने में हेल्प करता है। अब यहां पर आप देखो क्वेश्चन आपके पास में बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है, क्यू है, क्यू है, फोर क्यू है, एक है आपके पास में क्यू, एक है आपके पास में कैपिटल क्यू, एक है आपके पास में फोर क्यू, ठीक है। एक आपका जीरो पे है, एक आपका एल बाई टू पे है, और ये आपका एल पे है, तो ये टोटल आपका एल हो गया, ये एल बाई टू हो गया, जीरो हो गया, राइट। अब देखो हमको बोल रहा है इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स ऑन क्यू जीरो, इस पे हमको नेट फोर्स जीरो लगाना है, क्या होगा। तो देखो यार मेरे को पता है आप सब इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिर भी यार बहुत कमजोर बच्चे भी होते हैं जो इसको भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं, या फिर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, या फिर मान लो आपके पास में सिर्फ 30 सेकंड बचे हुए, क्योंकि बिटसेट में आपको बोनस क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने रहते हैं अगर आप स्कोर बूस्टअप करना चाहते हो, तो कई बार आपको जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करने रहते हैं सपोज, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली ये सोच सकते हो कि आपको ये बीच वाला बताना है क्या है। तो आप ये सोचो ये जो क्यू है और ये जो 4q है, ये दोनों सेम नेचर का है, पॉजिटिव पॉजिटिव, राइट, ये प्लस q है और ये प्लस 4q है, तो इसका मतलब ये रिपेल करेगा, ये वाला जो है इसको रिपेल करेगा, मतलब इधर फोर्स डालेगा। अब अगर हमको इस पे नेट फोर्स जीरो चाहिए तो दूसरा फोर्स ऑपोजिट इधर आना चाहिए, तो डेफिनेटली ये वाला जो कैपिटल q है ये नेगेटिव आएगा, डेफिनेटली नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का मतलब है ऑपोजिट नेचर का होगा, इस वाले स्मॉल q से ऑपोजिट मतलब माइनस q, अगर ये पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव, और अगर ये नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव, क्योंकि हमको दूसरा फोर्स इधर लाना पड़ेगा तभी ये नेट फोर्स जीरो होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो कैपिटल q है दैट विल बी समथिंग माइनस ऑफ q। अब वो क्या है वो वैल्यू हमको सॉल्व करके आएगा कूलम लॉ लगा के, डेफिनेटली हम लोग प्लस q को एलिमिनेट कर सकते हैं। समझ गए बात को। अब अगर आपको जल्दी से तुक्का लगाना है तो आप एक चीज ध्यान दो कि ये 2 वाला ऑप्शन 1 है, ये 1 बाई 2 वाला ऑप्शन आपके पास में 1 है, लेकिन ये 1 1 वाला ऑप्शन आपके पास में 2 है, तो ज्यादा चांसेस बनता है कि 1 1 वाले के बीच में आपका आंसर होगा। अब अगेन ये वाली टेक्निक भी हर समय काम नहीं करेगी, 100% हर समय काम नहीं करेगी, बट 90% केसेस में काम कर जाएगी, क्योंकि जो भी ऑप्शंस बनाता है ना वो आपको कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, ठीक है। तो आपको दो ऑप्शन अगर सिमिलर दिख रहे हैं ना तो हाई चांसेस होता है उन दोनों में से आपका करेक्ट आंसर होने के चांसेस होते हैं। तो यहां पर आप डेफिनेटली माइनस क्यू के साथ में एक तुक्का लगा सकते हो, है ना। हो सकता है बहुत सारे बच्चे इन दोनों में से तुक्का लगा दे, उनका गलत हो जाए, वो मेरे को गाली दे रहे हो, लेकिन यार ये प्रोबेबिलिटी वाली बात है। आपको देखो प्लस थ्री माइनस वन है, अगर सही हो गया तो प्लस थ्री मिलेगा और नहीं तो माइनस वन जाएगा, तो छोटे से रिस्क पे आपका ज्यादा प्रॉफिट है, और आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट भी कर दिया है। कई केसेस में हम लोग दो ऑप्शन भी एलिमिनेट कर देते हैं, वो ज्यादा बेटर होता है, यहां पर हम एक ही कर पाए, बट स्टिल इट इज बेनिफिशियल यार, ठीक है ना। आप कुछ कुछ चीज और भी कर सकते हो, जैसे कि आप एक तो कूलम्स लॉ तो लगा ही सकते हो, बाकी आप ये भी सोच सकते हो कि यहां पर अगर आप माइनस टू क्यू डालते हो या फिर माइनस क्यू बाई टू डालते हो, आप थोड़ा देख सकते हो फोर्सेस वगैरह, आपको पता होता है कि जो फोर्स होता है वो चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है और फिर रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर में, तो आप उस तरीके से भी थोड़ा बहुत सोच समझ सकते हो। बट एकदम बेसिक लेवल पे अगर आप उतना करना चाहोगे तो फिर आप कूलम्स लॉ ही लगा लेना, और बेसिक लेवल पे जल्दी जल्दी में आप एक तुक्का यहां पर जो है लगा सकते हो, ठीक है। अब अगला दो क्वेश्चन देखो, आपको और ज्यादा यहां पर मजा आएगा। यहां पर हमको बोल रहा है कि यार q
कि हमको 200 मीटर का ये है, इस तरीके से 200 मीटर का है, एक बॉल को ऊपर फेंका गया 10 से और दूसरे बॉल को नीचे फेंका गया 10 से एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली। हमको बोल रहा है टाइम डिफरेंस दोनों का बताना है जब वो ग्राउंड में पहुंचेगा। तो अब क्या होगा, देखो ये वाला ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा और ये वाला डायरेक्टली नीचे जाएगा। अब बच्चे क्या करते पता है, इसको सॉल्व करते पूरा टाइम निकालते, इसको सॉल्व करते पूरा टाइम निकालते फिर माइनस करते, तो ये बहुत लंबा तरीका है। बहुत सारे बुक्स में भी ऐसा सोल्यूशन दिया हुआ रहता है, ये बहुत गंदा तरीका है। आप क्या करो, जुगाड़ तरीका ये लगाओ, आप ये सोचो सिंपली कि भाई ये ऊपर जाके यहां आएगा, इसको इसमें कितना टाइम लगेगा, बस इतना देख लो, क्योंकि बाकी टाइम तो सेम ही है ना, बाकी टाइम तो ये भी नीचे आया ये भी नीचे आया, इसको बस एक्स्ट्रा ऊपर जाके नीचे आने का टाइम जो है वो एक्स्ट्रा लग रहा है, सिर्फ उतना देख लो, वही आपका आंसर होगा, राइट। सो हमको पता है कि यार जो जी होता है, जी वो क्या होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब एक्सेलरेशन मतलब क्या है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मींस चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन डीवीडीटी। अगर एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड कितना हो रहा है, 10 का हो रहा है, राइट। चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड 10 का हो रहा है, इसका मतलब अगर हमने इसको 10 से ऊपर फेंका तो ये एक सेकंड बाद जीरो हो जाएगा, तो ये टॉप में पहुंच जाएगा, फिर एक सेकंड बाद वापस इधर ही आ जाएगा, तो 2 सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम लगा, तो आंसर हमारा डेफिनेटली 2 सेकंड यहां पर होने वाला है। मतलब कि हम डायरेक्टली सिर्फ ऊपर वाले का एक्स्ट्रा टाइम देख लिया और हमारा वही आंसर होगा, सिंपल सा चीज है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, इसको पूरा इसको करेंगे, फिर जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि एक बहुत लेंदी तरीका है। तो ऐसे आप जुगाड़ू ट्रिक्स भी लगा सकते हो, ये आप एक लॉजिकल ट्रिक है, आप इसको एक्चुअल सॉल्यूशन भी मान सकते हो या फिर आप ट्रिक भी मान सकते हो, ये दोनों के एक मीडियोकर बीच वाला काम जो है हमारे पास में ये वाला जो है तरीका कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर यही करना आप लोग, सिंपल सा लॉजिक है। बहुत सारे बच्चे इसको फील नहीं कर पाते कि यार ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये सिंपल है, मतलब कि अगर आपकी स्पीड है 40, ठीक है, तो एक सेकंड बाद 30 हो जाएगी, फिर एक सेकंड बाद 20 हो जाएगी, फिर एक सेकंड बाद 10 हो जाएगी, एक सेकंड बाद 0 हो जाएगी, फिर नीचे आएगी 10 प्लस 20 प्लस 30, इस तरीके से। इस पे मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर में, आप लोग अगर सर्च करोगे मेरे नाम के साथ में तो आप लोग को डेफिनेटली एक वीडियो मिलेगी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो ये वाला जो तरीका है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हमारा फास्ट हो सकता है। अब लास्ट क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। यहां पर हमको बोल रहा है पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM अलोंग द वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस में SHM हो रहा है, एक तो होता है इस तरीके से एक्स एक्सिस में और एक होता है वाई एक्सिस में। तो जो इक्वेशन है वो बना है वाईकल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी, ये इक्वेशन हमारे पास में बना है। एम्पलीट्यूड निकालना है हमको सिंपल हार्मोनिक मोशन का, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास में क्या होगा। अब बहुत सारे बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं पता है, गलती कर देते हो, क्या करते हैं ए प्लस बी मार्क कर देते हैं, कुछ भी मार्क कर देते हैं, उनको आइडिया नहीं होता रूट ए प्लस बी मान। आप क्या तरीका यूज करो, लेट हम क्या करेंगे, पहले अजम्पशन मेथड यूज करेंगे, लेट बी इक्वल टू जीरो, हम क्या करेंगे लेट बी इक्वल टू जीरो कर देंगे। अगर हम बी इक्वल टू जीरो कर देते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगा, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब इसका एम्पलीट्यूड तो आपको पता ही है क्या होता है, इसका एम्पलीट्यूड ए होता है, तो अगर आप ऑप्शन में भी बी को जीरो पुट करोगे तो आप चेक करो एम्पलीट्यूड आपका ऑप्शन बी में जीरो आ जाएगा, तो ये तो गलत हो गया है ना। यहां पर आप बी को जीरो पुट करोगे तो ए आ जाएगा, सही है, यहां जीरो पुट करोगे यहां तो पुट होगा नहीं ए ही है, और यहां पर अगर आप पुट करोगे तो रूट ए आ जाएगा है ना, बी जीरो पुट करोगे तो रूट ए आ जाएगा, तो ये भी गलत है। दो ऑप्शन हमने यहां पर एलिमिनेट कर दिए, इसको हम कहते हैं अजम्पशन मेथड। कुछ भी अज्यूम कर लिया, बी को जीरो अज्यूम कर लिया, यहां पर भी कर लिया, ऑप्शन में भी कर लिया, इसको अजम्पशन मेथड कहते हैं। उसके बाद में हमारे ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गए। अब आप इन दोनों में जो है तुक्का लगा सकते हो है ना, इन दोनों में आप एक तुक्का लगा सकते हो, या फिर आप एक काम और कर सकते हो, अज्यूम कर लो कि साइन ओमेगा टी माइनस वन हो, अगर साइन ओमेगा टी माइनस वन होगा तो ये वैल्यू बनेगी माइनस ए प्लस बी, और अगर साइन ओमेगा टी प्लस वन आता है जो कि मैक्सिमम वैल्यू है साइन की, तो ये वैल्यू बनेगी हमारी प्लस ए प्लस बी, राइट। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है हमारे पास में, जब आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 2a, राइट। तो एक SHM इस तरीके से होता है ना, ये टोटल डिस्टेंस कितना है 2a, तो अगर हम मेन पोजीशन से देखेंगे तो राइट में a आएगा, लेफ्ट में भी a आएगा, है ना, टोटल डिस्टेंस 2a है, समझ गए आप बात को। एक एक्सट्रीम है और एक इधर है, और एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम और लेफ्ट एक्सट्रीम के बीच का जो है वो है 2a है, क्योंकि एक बार हमारा माइनस ए प्लस बी आया साइन जब माइनस वन होगा, और एक बार हमारा प्लस ए प्लस बी आया जब साइन प्लस होगा प्लस वन होगा, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है, तो डेफिनेटली उसका जो एम्पलीट्यूड है वो a ही होगा। तो ये चकमा देने वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर a ही आता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, सी मार्क कर देते हैं, डी मार्क कर देते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि यार प्लस बी यहां पर ऐड है, ये एक्चुअल में ये आपका एक झोल है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को जो है गलत कर देते हैं। ये बेसिकली क्या है पता है, इस b को अगर आप इधर लेके आओगे ना तो ये बनेगा y माइनस बी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इस टाइप का बनेगा। और ये जो y माइनस बी है ना, इसको हम एक नया y मान लेते हैं, ये एक नया y बन जाएगा, समझ गए आप बात को, समझ गए ना आप बात को। बेसिकली क्या आपको मैं समझाऊं, एक SHM हो रहा है मान लो यहां पर, और वही SHM हो रहा है थोड़े ऊपर,
तो दोनों का एम्पलीट्यूड तो वही है ना, तो ये कांस्टेंट बस वही वाला काम कर रहा है, ये कांस्टेंट बस आपका पोजीशन चेंज कर रहा है, बाकी एम्पलीट्यूड तो वही है, वो एसएचएम तो वही है, समझ गए आप बात को। इस वजह से इसका आंसर ए ही आता है, ठीक है। इस तरीके से ट्रिक्स विक्स लगा के आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, बहुत ज्यादा काम आएगा ये ट्रिक्स आपके लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग डेफिनेटली जाकर के बाकी एपिसोड्स देख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करो आगे आने वाले एपिसोड्स के लिए। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये ट्रिक्स अच्छे तरीके समझ में आ गए होंगे, बहुत ज़्यादा मजा आया होगा आप लोगों को, मुझे भी बहुत ज़्यादा मजा आया ट्रिक्स आप लोगों के साथ में शेयर करके। इनफैक्ट और भी वीडियोस आने वाली है आप लोगों के लिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को लाइक करके मेरा सपोर्ट करो और चैनल को ग्रो करने के लिए आप लोग भी थोड़ा सा हेल्प करो अपने वीडियोज़ को, इस वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो ताकि वो सब भी इस प्लेटफॉर्म का जो है मज़ा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।